क्या चाहता हूँ मैं, मोक्ष चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बुलिंग जो है एक सिर्फ स्कूल और कॉलेज की कहानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश, और हमारे साथ हैं इस वक्त वंदना कटारिया जी और कुणाल कपूर सर। नोवेल मैन फिल्म आ रही है, ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बहुत ज़्यादा सब पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैम, लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए शुरुआत आपसे करते हैं, किस तरीके से आपने इस फिल्म के बारे में सोचा और इसकी नींव रखी? एक्चुअली मर्चेंट ऑफ वेनिस पे बेस्ड है कहानी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ऐसी कहानी है जिसमें जूज और क्रिश्चियंस के बारे में है, जिसमें क्रिश्चियन जू को बुली करता है और वन डे वो जू चाहता है कि मैं बदला लूँ उनसे। तो हमने जस्ट वो सेटिंग उठा के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है, ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे बुलीज भी होते हैं और वो बच्चे भी होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं बुलीज के। तो एक ईजी कहानी थी ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन हम ऑल्सो इस मुद्दे के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते थे एक फिल्म के थ्रू, एंड इसीलिए। तो कुणाल सर, बताएं कैसा लगा टीचर बन के, वो भी ड्रामा टीचर बने हैं आप फिल्म में? जी, बहुत मज़ा आया। एक तो क्योंकि मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, स्कूल में किया है, कॉलेज में प्लेज किए हैं, जब एक्टर बना तब भी हाल ही में भी प्ले किया था मैंने, तो मुझे वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है थिएटर की। और दूसरा, शेक्सपियर जो है मेरा वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स हैं जी। मुझे उनकी सारी कहानियाँ बहुत पसंद है, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है उनकी कहानियों की वो ये हैं कि एक तो वो यूनिवर्सल कहानियाँ हैं, दूसरा कि वो जिन चीज़ों के बारे में बात करते थे इतने साल पहले वो आज भी लागू होती हैं जी। तो वो कहानियाँ अब भी रेलिवेंट हैं। तो इसके पहले मैं एक पिक्चर कर चुका हूँ जिसका नाम था वीरम, जो मकबैथ पे बेस्ड थी। अब मुझे मौका मिल रहा है ये नोबल मैन करने का, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस पे बेस्ड है, तो बहुत एक्साइटिंग था। मैम, एज ए डायरेक्टर इस फील्ड में जब कोई उतरता है तो मसालेदार फिल्में बनाने की, कमर्शियल फिल्में बनाने की उसकी पूरी कोशिश होती है, इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का आपने निश्चय क्यों किया? तो ये पहली पिक्चर नहीं है जो मैंने लिखी है, पहली वाली जैसी आप बोल रहे हैं वैसी है जो अब मैं सेकंड बनाने वाली हूँ। ये आई थिंक जस्ट हो गया, इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस। आई थिंक शायद यूनिवर्स चाहता था कि हम बुलिंग के ऊपर एक फिल्म बनाएं, सो हो गया, इट जस्ट हैपेंड। ऐसा सोच के नहीं किया था, लेकिन जब मर्चेंट ऑफ वेनिस उठाई तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का मुद्दा ये है, उसका सेंट्रल थीम है ये रिवेंज ऑफ द ऑप्रेसर अगेंस्ट द ऑप्रेस्ड, मतलब जो दबा हुआ पिसा हुआ आदमी है वो उठता है, यू नो। लेकिन गलत होता है सब कुछ मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी, जो उठता है वो गलत तरीके से उठता है, इसलिए वो सब कुछ खो देता है। तो हमारी पिक्चर में भी ऐसा ही कुछ है। इस फिल्म को जो है स्टूडेंट्स और जो कॉलेज की हों या फिर स्कूल के हों, बहुत दिल से लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से ये कहानी उनको रूबरू कराएगी, छुएगी जी। आपने भी पढ़ाई की है, आपको कभी इस तरह की चीज़ें फेस करने मिला या अपनी आंखों से आपने ये चीज़ें देखी हैं? जी, मैं एक्चुअली फॉर्चुनेट था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी ज़्यादातर, और दूसरा मैं स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था, तो ऐसा कभी था नहीं कि मुझे किसी ने बुली किया हो। लेकिन मैं देख चुका हूँ अपने आसपास, मेरा एक कज़िन था दिल्ली में जिसका एक वेट का इशू था जी। और उसको इतना बुली किया जाता था कि वो स्कूल जाने से कतराता था, मतलब स्कूल अगर 9 बजे शुरू होता था वो 8:30 बजे पहुँच जाता था ताकि किसी से मिले ना, 4 बजे अगर स्कूल ख़त्म होता था 4:30 बजे वो अपनी क्लास से निकलता था, लंच ब्रेक में स्कूल नहीं, स्कूल के मतलब क्लास के बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि इतना डर था उसके दिल में। और जब आप एक बच्चे को के दिल में इतना डर भर देते हो तो ऑब्वियसली आगे जाके उसका एक इम्पैक्ट होता है। और हमने तो ये पिक्चर लेके एक स्कूल में रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि बुलिंग जो है एक सिर्फ स्कूल और कॉलेज की कहानी नहीं है, ये हमारी निजी ज़िंदगी में भी होती है, हमारे घरों में होती है। आप काम की जगहों पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ लोगों को बुली किया जाता है। हाल ही में एक पूरा केस हुआ था वेयर दिस दलित नर्स कमिटेड सुसाइड, बहुत सारे केस, आई मीन मीटू मूवमेंट, मीटू मूवमेंट भी बिल्कुल उसी का है, परपेट्रेटर्स बुलीज हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो ये एक स्कूल में आधारित है, लेकिन सिर्फ स्कूल की कहानी नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी की कहानी है, और ये जो मुद्दे हैं ये पूरी सोसाइटी के मुद्दे हैं। अच्छा मैम, बुलिंग यानी रैगिंग, yes.
और कानूनन इस पर रोक लगा दी गई है, ज़्यादातर स्कूलों में तो बंद ही हो गया है। कुछ कबार स्कूल भले ही हों छोटे मोटे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें, तो क्या कोई ऐसी रियल घटना भी आपके जहन में आई, सुनाई दिया कि नहीं इस मुद्दे को? तो जो आप बोल रहे हैं वो सच नहीं है। पिछले अभी एक महीने पहले एक बहुत हॉरिबल आर्टिकल है देहरादून के एक स्कूल में, जहाँ बच्चे की डेथ हो गई, स्कूल ने डेड बॉडी छुपाने की कोशिश की कि बताएंगे नहीं। आज के ज़माने में एडल्ट्स कौन ऐसे सोचता है, टीचर्स व्हाट वर दे थिंकिंग, पेरेंट्स को क्या बताएंगे। सो जो आप बोल रहे हैं वो कानूनन बंद होगा, बट दैट डजंट मीन हम सब कुछ कानून के हिसाब से करते हैं। तो स्कूल की चार दीवारों में क्या होता है वी डोंट रियली नो, एंड हमने लेकिन रिसर्च किया है। मैं बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल के बॉयज़, टीचर्स और प्रिंसिपल से मिली हूँ, बात किया हूँ अब से लेके 5 साल पीछे तक, और क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ पूरी ज़िंदगी, वो कहानियाँ भी हैं। तो कुणाल जी, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रही आपकी? एक टीचर जा रहे हैं, बच्चों की मानसिकता से आपको जो है फेस करना था, तो कैसे आपने इसको सीखा, या कोई फिल्म देखी या किसी टीचर को? नहीं, आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये थी, जैसे मैंने कहा, एक तो मैं वो पूरी दुनिया से बहुत अच्छे से परिचित था क्योंकि मैं कर चुका हूँ थिएटर, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि जो बच्चे हैं उनके साथ एक बॉन्ड बनाना। और लकीली हम लोगों ने एक वर्कशॉप की पिक्चर की शुरुआत की पहले, तो मुझे मौका मिला बच्चों से घुल मिल बातचीत करने का, उनके साथ घुल मिलने का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान हो गया था। कुणाल सर, आपके फैंस आपसे बहुत नाराज चलते हैं, आप इतनी चूज़ करके फिल्में लाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आप बहुत ही सोच समझ कर फिल्में साइन करते हैं। बहुत सोच समझ कर तो नहीं करता मैं, लेकिन देखिए, आप आपको जो मिलता है आप उसी में से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो आपको मिल रहा है वो आपको एक्साइटिंग ना लगे जी, तो फिर आपकी चॉइसेस भी कम होंगी। लेकिन मुझे तो मतलब पिक्चर एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं पिछले 20 सालों से एक मूवी सेट पे हूँ, पहले प्रोडक्शन असिस्टेंट था, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर एक्टर बना, तो मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे मूवी सेट पे रहूँ। लेकिन उस तरह की पिक्चरें भी मिलनी चाहिए। क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? क्या चाहता हूँ मैं? मोक्ष चाहता हूँ आत्मा की शांति। तो हम इसे क्या अगली फिल्म का टाइटल नाम सुन रहे? मैं क्या चाहता हूँ, नहीं क्या ऐसे कुछ है नहीं कि मैं इस तरह की पिक्चर, खाली अगर इस तरह की पिक्चर आएगी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह के रोल कर चुका हूँ उससे कुछ अलग मिले, जिस तरह की कहानियाँ मुझे पसंद आएंगी स्क्रीन पे देखने में उस तरह की कहानियाँ मिले। और वो अब मुझे लग रहा है बदल रहा है, वो दौर बदल रहा है। मतलब एक समय था जब मुझे जिस तरह की पिक्चरें चाहिए थी बिल्कुल नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मुझे मौका मिला है कुछ बहुत अच्छी पिक्चरों पर काम करने का, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डियर जिंदगी हो, राग देश, वीरम, नोबलमैन, अभी एक मेरी पिक्चर अभी ख़त्म हुई है जिसका नाम है कोई जाने ना। तो मुझे लगता है पिछले 3 सालों में मुझे मौका मिला है अलग अलग पिक्चरें करने का, और मुझे लगता है अब अगले साल बहुत दिखाई दूंगा। बिल्कुल, 16 साल बीत चुके हैं रंग दे बसंती। देखिए, जो भी पिक्चर देखता है अब भी, मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे रंग दे बसंती के बारे में। जो भी पिक्चर देखता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि आप लोग सच में दोस्त थे, और सच ये है कि हम लोग सच में ही दोस्त थे जी, क्योंकि हमने कुछ 100 दिन साथ में शूटिंग की थी, और ऐसा हमारा एक बॉन्ड हो गया था कि शूटिंग जब नहीं भी होती थी हम एक दूसरे के घरों में होते थे साथ में, मतलब साथ में रहते भी थे, कभी कभार किसी के घर में रह गए, साथ में बाहर जाना, साथ में खाना खाना, तो हम एक्चुअली बहुत गहरे दोस्त बन चुके थे। और जब दोस्ती होती है मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें तो कभी हमें पता था कि जो पिक्चर हम कर रहे हैं बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन इस तरह की एक रेवोल्यूशन हो जाएगी वो ऑब्वियसली कभी सोचा नहीं था। आमिर खान साहब के पास से कभी ऑफर नहीं आया किसी फिल्म को लेके, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही थी उस फिल्म में? उसके बाद नहीं, ऐसा कोई ऑफर तो नहीं आया। मतलब मुझे लगता है आमिर ने कोई ऐसी पिक्चर की नहीं है जिसमें मैं, जिसका हिस्सा शायद मैं बन सकूँ। अगर कभी ऐसा मौका आया तो आई विल बी ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। वंदना मैम, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर अपने दर्शकों को? प्लीज़ नोबलमैन देखिए, आई थिंक आपको फिल्म एटलीस्ट एंगेज करेगी, एंड देखिए और फिर बताइए कैसी लगी मेरे फेसबुक पे।
बिल्कुल, ये फिल्म जो है 28 जून को रिलीज़ हो रही है और आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, ये वादा हम सभी से आप लोग करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये वादा भी करना होगा कि आप हिंदी रश को देखते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कुछ कहना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द ही इनके जवाब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।